सरप्राइज, तुम्हारा कबर्ड कितना नीट एंड टैडी है सर, हमको तो यकीन नहीं हो रहा। अभी आपको क्या बताऊं, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन है, मैंने सब आपसे सीखा है मॉम, ये सब आपसे सीखा है मैंने। कबर्ड नीट एंड टैडी मॉम, बाहर चले, आराम से बाहर बैठते हैं। अब तो हमारा काम खत्म हो गया, अब तुम ऑफिस चला जाएगा तो हम पूरा दिन बोर हो जाएगा, इसलिए हम सोचते हैं कि तुम हमारा स्पा का अपॉइंटमेंट फिक्स कर दो, हम स्पा में जाके मसाज लेके रिलैक्स करेगा। मॉम व्हाट अ नाइस आइडिया, मॉम सुपर्ब आइडिया, स्पा का अपॉइंटमेंट फिक्स, समझिए आप। मम्मा लेट्स गो सिट देना, चेयर पे बैठ के आराम से बात करते, लेट्स गो। गाने की आवाज कहाँ से आ रहा है? कौन सा गाना? मुझे कोई आवाज नहीं आ रहा। ओ गॉड, माँ का फोन भी अभी आना था। तुमको गाना नहीं सुनाई दे? नो मॉम। तुम डॉक्टर के पास जाके अपना कान का चेकअप करो। अरे गाना? बिल्कुल नहीं मॉम, बिल्कुल नहीं। कहाँ से आ रहा? सारा। मॉम आई डोंट थिंक सो, गाना वहां से बिल्कुल नहीं आ रहा। मैं आपको सच बताता हूँ क्या, देखिए मैम प्रॉब्लम क्या है ना, आप जिस लड़की को मेरे साथ देखती हो ना, तो उसके साथ मेरा स्टोरी बनाना शुरू करती हो, अब इसीलिए मैंने इसे अलमारी में छुपने के लिए बोला। मॉम शी इज दैट गर्ल, मैंने आपको बताया था ना राइट्स में हम साथ में फंस गए थे, देवजानी ठाकुर ये वो है। तो मैंने इसकी हेल्प की, तो उसकी मॉम ने थैंक यू बोलने के लिए मेरे लिए लड्डू भेजे, राइट और रॉन्ग? हाँ हाँ। और अभी जा रही है, गो ना भाई, वेटिंग है, गो। एक मिनट, तुम देवजानी ठाकुर है? हमारा सर ने तुम्हारे बारे में हमको सब कुछ बता दिया, तुमको जब बचाने गया था ना वो रायट का टाइम तब, मगर हमारा सर ने तुमको हमारे बारे में नहीं बताया, हम उसका माँ है, वैसा वाला माँ नहीं जिसको देख के तुमको अलमायरा में छुपना पड़े। मैंने तो पहले ही कहा था कि छुपने की कोई जरूरत नहीं है। निकलो चलो, गो ऑफिस। It was nice meeting you, auntie. Nice to meet you too. नहीं बिल्कुल नहीं, कि दिलन दबिलन बस मुझसे गाड़ी धुलवाता रहेगा, जब तभी का सारा पानी खत्म हो जाएगा तो भी एक बाल्टी पानी लेके आएगा मुझसे गाड़ी धुलवाने के लिए। हसीम तुमने तो मुझे डरा ही दिया। अच्छा मैं इतना डरावना हूँ क्या? वैसे तुम्हारी दीदी तो कहती है कि मैं उनका हैंडसम देवर हूँ। नहीं ऐसी बात नहीं है, वो सरप्राइज कर दिया। हाँ वेल असली सरप्राइज तो अब तुम्हें मिलेगा। क्या? ऐसे नहीं, ट्रीट देनी पड़ेगी। ट्रीट? पर क्यों? वो इसलिए क्योंकि मैंने मिस्टर मीर चंदानी से बात की, मैंने उनसे कहा कि राइट्स में जो कवरेज हुई है उसका असली क्रेडिट देवजानी को मिलना चाहिए, और इसीलिए वो तुम्हें न्यूज एंकर करने का मौका दे रहे हैं कल से। क्या हुआ, ये चेहरे की स्माइली एकदम से साइड क्यों हो गई? डिलन द विलन ऐसा होने देगा? मिस देवजानी मैंने डिलन के बॉस से डायरेक्टली परमिशन ली है, डिलन चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। ओह माय गॉड असीम, यू नो यू आर द बेस्टेस्ट ऑफ फ्रेंड, कितना कुछ किया है तुमने मेरे लिए। कम ऑन यार, अपनी फ्रेंड के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। गॉड असीम थैंक यू सो मच, यू आर द बेस्ट, थैंक्स। हाँ देवजानी मैं बेस्ट हूँ और मुझे तुम्हारे आगे बेस्ट ही रहना है।
ताकि मेरे आगे का प्लान कामयाब हो सके। क्या हुआ भैया, इतने हैरान और परेशान क्यों हैं? हमारा प्लान तो सही ट्रैक पे जा रहा है। प्लान तो हमेशा से ट्रैक पर था असीम। चड्ढा के इन्वॉल्व होने से स्टेक्स भी हाई हो चुके। असीम जरा सोच, जिस कोठी के हम 18 से 20 करोड़ लगा रहे थे, चड्ढा के आने से उसकी कीमत 30 करोड़ हो चुकी है। और ये साला बुड्ढा माने तो। रिलैक्स भाई, एक दामाद के कहने पे नहीं माना, लेकिन जब दो दो दामाद कहेंगे तो उन्हें मानना भी पड़ेगा और दोनों बहनों का हिस्सा देना भी पड़ेगा। बड़ा कॉन्फिडेंट है तू, कर पाएगा जो सोच रहा है तू? आपने सोच भी कैसे ली कि मैं नहीं कर पाऊंगा? देवजानी को नौकरी मिली मेरी वजह से। जब चंद्रलेखा पे अटैक, तब भी देवजानी को यही लगा कि उसे मैंने बचाया। और आज देवजानी के सोते हुए करियर को रिवाइव करने का क्रेडिट भी मैंने ले लिया। मैंने मिस्टर मीर चंदानी से बात की, वो तुम्हें न्यूज एंकर करने का मौका दे रहे हैं कल से। देवजानी तो मुझ पर फिदा है भैया। और प्लस पॉइंट बताऊं भैया, प्लस पॉइंट ये कि आपके ससुराल वाले मुझे बड़ा नेक समझते हैं। तो जरा आप ही बताइए, इतने नेक लड़के को कोई अपना दामाद क्यों नहीं बनाएगा? एक बार मैं दामाद बन गया, फिर हमारे हिस्से में एक बेटी के 6 करोड़ नहीं, दो बेटियों के 12 करोड़ आएंगे, 12 करोड़। देवजानी की शादी होगी तो मुझसे, और हमारे बीच कोई नहीं आएगा।